नमस्कार हमारे इस YouTube के फैमिली मेंबर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं मोबाइल रिपेयरिंग के सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है कैपेसिटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैपेसिटर का डिटेल जानकारी होना बहुत जरूरी है एक मोबाइल टेक्नीशियन को, कि सर्किट में कहाँ पर किस जगह पे लगाया रहता है और किस प्रकार का ये काम करता है। जब भी आप कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं या कोई भी सर्किट को रिपेयरिंग करते हैं, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोबाइल सर्किट में जो आपका कंपोनेंट है वह है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें कि आपको सीरीज में भी यूज होता है और पैरेलल में भी यूज होता है। देखिए, कैपेसिटर का जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कैपेसिटर का काम क्या है, आखिर एक्चुअल में सर्किट में क्यों लगाया जाता है। अब कैपेसिटर को जब एसी वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है, जब डीसी वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं होगा सर्किट का, तब तक आप कैपेसिटर के बारे में अच्छा से जानकारी नहीं ले पाइएगा और कैपेसिटर क्या काम करता है इसके बारे में आपको पता नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ऐसा बहुत सारा मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन को देखे हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग के करने का मतलब है कि किसी को देखा देखा आप मोबाइल चार्जिंग पिन बदलना सीख गए, कोई कंपोनेंट के बारे में नहीं जानकारी है फिर भी आप चाहते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग करना सीख जाएंगे। आप कंपोनेंट के बारे में जानना कुछ थोड़ा जरूरी है, ऐसे शॉर्ट मिलेगा तो यूट्यूब या कहीं से देख के आप कहीं से उनको सोल्यूशन कर लेगा, कोई बन भी जाता है। लेकिन जब तक आपको कोई भी कंपोनेंट एक्चुअल में कैसे काम करता है उसके बारे में आपको पता नहीं होगा, तो वो आपको सर्किट साइड से आप रिपेयर नहीं कर पाएगा, आपको समझ नहीं पाएगा। आखिर आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कंपोनेंट जो लगा हुआ है एक्चुअल में किस काम के लगा हुआ, आखिर क्या काम है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में जब हम लोग आते हैं तो पीसीबी में सबसे ज्यादा 95% पाने वाला कंपोनेंट जो होता है कैपेसिटर होता है। और कैपेसिटर को सबसे ज्यादा कहां पर यूज किया जाता है और पैरेलल में यूज किया जाता है कि सीरीज में यूज किया, सीरीज में कैपेसिटर को कहां यूज किया जाता है कहां, इसके बारे में आज का आपको बताएंगे। देखिए, एक वीडियो में तो इतना चीज संभव नहीं है कि आपको पूरा कैपेसिटर के बारे में बताया जाए, कौन कौन सेक्शन में यूज किया जाता है उसके बारे में बताया जाए, लेकिन एक्चुअल में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैपेसिटर की होता क्या है, क्यों होता है, मोबाइल सर्किट में 95% कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, आखिर वो कैपेसिटर का काम क्या है। तो चलिए कैपेसिटर को तीन केस में आपको डिफाइन करके बताएंगे कैपेसिटर है क्या चीज और वो किस प्रकार का काम करता है। तो चलिए जाते हैं, आप कैपेसिटर के बारे में आज जानकारी लेते हैं। देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज ना कोई भी चीज बहुत बड़का बड़का जगह में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन नॉलेज एक ऐसा जगह है जिसको अगर सही अगर लगे कि ये सही बता रहा है तो उसके बारे में देखना चाहिए। आप एक बार समझना तो दो बार तीन बार करके इस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में कैपेसिटी क्या है। आप एक बार समझ जाइए उसके बाद नहीं देखिएगा, ठीक है, लेकिन समझना एक बार जरूरी है ताकि हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जो भी मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन भाई है वो समझे और कोई भी पीसीबी को समझे कि एक्चुअल में काम कैसे करता है, तब जाके आप मोबाइल रिपेयरिंग अच्छा से कर पाइएगा। तो चलिए अब हम लोग कैपेसिटी के बारे में जानते हैं। देखिए, कैपेसिटर जो होता है मोबाइल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हम लोग का, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यूज होने वाला कैपेसिटर है। कैपेसिटर को हम लोग क्या बताएंगे, आपको बताएंगे तीन टाइप से बताएंगे, तीन केस में बताएंगे कैपेसिटर को, ठीक है। तो फर्स्ट केस में आपको लेते हैं केस नंबर वन में एक कैपेसिटर लेते हैं। एक कैपेसिटर हम आपको यहां पर बनाते हैं, कैपेसिटर का सिंबल है, कैपेसिटर बनाते हैं। कैपेसिटर में देखिए, जब यहां पर एक कैपेसिटर लेते हैं, कैपेसिटर में अब ये कैपेसिटर काम क्या करता है, कैसे करता है, इसके बारे में हम वोल्टेज एसी और डीसी दोनों सर्किट में कैपेसिटर का यूज होता है। आप घर में होगा, पंखा में भी यूज करते हैं, आप मोबाइल सर्किट में भी यूज करते हैं, कोई भी एसी या डीसी जो भी सर्किट है सभी में कैपेसिटर का यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और है, हमको पता है कि आपको पता है, ठीक है। इसके बारे में देखिए, जब हम लोग डीसी सर्किट में कैपेसिटर को जब हम लोग एक डीसी वोल्टेज देते हैं, मान लीजिए 10 वोल्ट का एक हम डीसी सप्लाई लेते हैं, ठीक है। जब कैपेसिटर में हम लोग डीसी सप्लाई 10 वोल्ट का देते हैं तो आउटपुट क्या निकलता है, 0 वोल्ट आउटपुट डीसी निकलेगा। ये हो गया इन, ठीक है, इनपुट वोल्टेज, ये हम लोग का यहां पर हुआ और यहां आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, यहां आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। केस नंबर एक में देखिए, पूरा आपको क्लियर बताएंगे क्या है, कैसे होता है, फिर सिर्फ समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा कैपेसिटर लेते हैं, दूसरा कैपेसिटर लेने के बाद केस नंबर टू,
केस नंबर टू में हम लोग लेते हैं, यहां भी 10 वोल्टेज हम लोग लेते हैं, 10 वोल्टेज यहां एसी सप्लाई लेते हैं, जो कि एसी सप्लाई जब भी लेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रहेगा 100% याद है, अगर नहीं है तो याद कर लीजिए। डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, एसी में फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, एसी में फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी एक वाला एक डीसी सप्लाई 10 वोल्ट का एसी सप्लाई लिए, जब हम लोग इस कैपेसिटर के थ्रू जब पास आउट कराएंगे तो इसमें हम लोग क्या मिलेगा, लगभग ये 5 वोल्ट एसी सप्लाई मिलेगा, या 5 वोल्ट हो सकता है, 4 वोल्ट हो सकता है, 3 वोल्ट हो सकता है, एक एक्चुअल समझा रहे हो कि एक्चुअल में काम क्या करता है, कैसे करता है, ठीक है, ये हो गया। अब केस नंबर 3 में, केस नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, फिर एक कैपेसिटर लेते हैं, कैपेसिटर लिए, कैपेसिटर लेने के बाद इसमें भी 10 वोल्ट का आपको एसी सप्लाई लेते हैं, और यहां पर एक लॉजिक है, करते क्या हम लोग, यहाँ लॉजिक क्या है कि यहाँ एक चीज कर रहे हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज लिए थे, ठीक है, और इसी जगह में फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ा लिए, यहाँ कर दिए 100 हर्ट्ज एग्जैक्ट, यानी 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ले लिए। जब 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एसी को जब इस वोल्टेज की इसके थ्रू पास करते हैं, कैपेसिटर के थ्रू पास करते हैं, तो होता क्या है, समझिएगा ध्यान से, होता क्या है, तो हम लोग को कितना मिलेगा, लगभग 1-2-3 या इससे कम मिलेगा, नहीं 2 वोल्ट एसी सप्लाई मिलेगा। देखिए इस तीनों केस में हुआ क्या, इस तीनों केस में हुआ क्या, ठीक है, हुआ क्या, इसको समझना जरूरी है। इस चीज को अगर समझ गए तो आप कहीं नहीं जाइएगा, इस चीज को अगर समझ गए तो समझ जाए नेटवर्क सेक्शन समझ जाइएगा, नेटवर्क सेक्शन इससे जुड़ा हुआ, मोबाइल में नेटवर्क सेक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना, तो बहुत लड़का रिपेयर नहीं कर पाता क्या, आखिर नेटवर्क सेक्शन कैसे काम करता है, नेटवर्क सेक्शन में कोई भी कैपेसिटर को सीरीज में क्यों लगाया जाता है, तो इसके बारे में पता नहीं, तो इसको चीज समझिए। देखिए दो तीनों में हुआ क्या, कम तीनों में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। देखिए जब हम लोग इसमें डीसी वोल्ट 10 वोल्ट डीसी वोल्ट जब कैपेसिटर में देते हैं तो 0 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, फिर याद रखिएगा, जब हम लोग 10 वोल्ट कैपेसिटर में दिए डीसी सप्लाई, तो आउटपुट क्या निकला, हम लोग को 0 वोल्ट निकला। कहने का मतलब है कि डीसी सप्लाई में जब हम लोग कैपेसिटर को लगाते हैं, डीसी सर्किट में जब हम लोग कैपेसिटर को लगाते हैं, तो वह डीसी सप्लाई के लिए क्या करता है, कैपेसिटर काम जो करता है, एक हाई रेसिस्टेंस का काम करता है, यानी हाई रेसिस्टेंस का काम करने का मतलब वोल्टेज 0 हो गया, यानी उसमें, यानी कहने का मतलब है डीसी सप्लाई में, डीसी सप्लाई जब हम लोग एसी कैपेसिटर से होकर गुजरता है तो वह वोल्टेज को पास नहीं करता, डीसी सप्लाई को अवरुद्ध करता है, यानी कैपेसिटर जो होता है डीसी सप्लाई के लिए, डीसी सप्लाई के लिए कैपेसिटर जो होता है हाई रेसिस्टेंस का काम करता है, रेसिस्टेंस का काम करता है, करता है। डीसी सप्लाई के लिए वोल्ट क्या है, कैपेसिटर जो हाई रेसिस्टेंस का काम करता है, जिसके कारण वोल्टेज आउटपुट हुआ है। केस नंबर 2 में आइए, जब हम लोग 10 वोल्ट एसी सप्लाई कैपेसिटर से दिए हम लोग, तो 5 वोल्ट निकला। कहने का मतलब है हर्ट्ज पे जब हम लोग एसी सप्लाई देते हैं तो कैपेसिटर क्या किया इस जगह में, कि 10 वोल्ट को वोल्टेज को कम कर दिया, यानी रेसिस्टेंस को कम कर दिया। कहने का मतलब है ये जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए एसी सप्लाई 50 हर्ट्ज वाली, तो यहाँ वोल्टेज को थोड़ा सा कम कर दिया, यानी वोल्टेज को कम करके या 10 वोल्ट दिए तो 5 वोल्ट आउटपुट किया गया, क्लियर है, यानी वोल्टेज को कम करने का काम किया। ठीक उसी तरह इस जगह में एक लॉजिक है, हम लोग काम क्या किए कि जब हम लोग का ये फ्रीक्वेंसी को जब 100 हर्ट्ज कर दिए, फ्रीक्वेंसी जब बढ़ा दिए 100 हर्ट्ज कर दिए, तो यह हुआ क्या, 2 वोल्ट यहां पर वोल्टेज आउटपुट किया। कहने का मतलब यहां 5 वोल्ट किया, इसका 50 कम से कम किया है, इसका और भी कम कर दिया। कहने का मतलब इसका वोल्टेज और भी कम कर दिया, यहां 2 वोल्ट कर दिया, वोल्टेज को कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहां बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी को हम लोग जब बढ़ा दिए तो ये और भी कम कर दिया। कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी जब कैपेसिटर को जब फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी मिलता है तो होता क्या है, वह अपने रेसिस्टेंस को बढ़ा लेता है। फिर आपको ध्यान से सुनिए, जब
एसी वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं कोई भी सर्किट में, तो कैपेसिटर अपने अंदर से रेसिस्टिविटी को बढ़ा लेता है, हाई रेसिस्टेंस को बढ़ा लेता है, जिसके कारण जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वोल्टेज उसका अप्लाई होने के लिए कम कर देगा, वो आउटपुट जो वोल्टेज कम कर देगा। वोल्टेज कम होने का मतलब ही है कि उसके अंदर रेसिस्टेंस बढ़ा है। यानी आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जब एसी सप्लाई को जब हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी जब कैपेसिटर में जब हाई फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो ये अपने अंदर की रेसिस्टिविटी RESISTAVITY रेसिस्टिविटी भी बढ़ा लेते हैं। कहने का मतलब है जब भी सर्किट में लगा दी ये रेसिस्टिविटी अपने अंदर बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर रेसिस्टिविटी ये बढ़ा लेते हैं। तो यही एक लॉजिक के कारण नेटवर्क सेक्शन में जब भी हम लोग नेटवर्क सेक्शन भी यूज करेंगे, देखिए आप अगर इस वीडियो का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि थोड़ा हमारे जाते हैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको चाहे आप नोट्स भी इसका बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बता रहे हैं कि नेटवर्क सेक्शन में इसको यूज क्यों होता है। देखिए नेटवर्क सेक्शन में जब भी यूज होगा इसको एक इसके थ्रू आपका रेजिस्टेंस सेक्शन में यूज जब भी होगा ये सीरीज में होगा। मान लीजिए एक नेटवर्क सेक्शन का एक एंटीना है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस जगह में एक क्वाइल लगा हुआ है, इस जगह में एक कैपेसिटर फिर फिल्टर के लिए लगा हुआ रहता है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको होते हुए आपको सर्किट जो होता है पीएफओ में जाता है, यहाँ पे पीएफओ सर्किट है, पीएफओ फिर आईसी है, पीएफओ आईसी में जाता है, ठीक है। नेटवर्क से जब नेटवर्क रिसीव होता है हम लोग का इस प्रकार का जाता है, आपको बताएंगे नेटवर्क से जब पढ़ाएंगे ना तो आपको टोटल डिटेल बताएंगे। तो इस कैपेसिटर का नाम क्या है, कपलिंग कैपेसिटर, CoupLing कैपेसिटर। तो यही कारण क्या है, ये क्या कहें, जब हाई फ्रीक्वेंसी मान लीजिए हम लोग कोई नेटवर्क सिस्टम बताएंगे कोई भी हम लोग का जीएसएम वाला सिम होगा तो ये कितना है हम लोग का 900 से लेकर 1800 मेगाहर्ट्ज, तो मेगा हर्ट्ज पर हम लोग का ये वर्क करता है जीएसएम, जितना भी 2G वाला सिम होता है उस पर काम करता है, और एक 850 का भी मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का होता है, एचजेड का होता है, इस पर भी काम करता है। ये होता क्या है, जब इस प्रकार का फ्रीक्वेंसी आएगा, जब मान लीजिए हम लोग को हाई फ्रीक्वेंसी जब जैसे मान लीजिए हम लोग का 2GPF के लिए हम लोग को 1800 को इसमें 850 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। तो ये जैसे अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इस प्रकार आया तो ये हाई फ्रीक्वेंसी का लो कर देगा, कहने का मतलब है 1800 वाला है यहाँ 900 वाला है और 850 बड़ा फ्रीक्वेंसी है, इस जगह में क्या करेगा 800 वाला को क्या 1800 हमको चाहिए क्या है यहाँ पर चाहिए, मान लीजिए हम लोग को 900 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 1800 वाला तो यहीं रुक जाएगा, अब यहाँ से आपको आएगा 900 मेगाहर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी आएगा और 850 वाला 800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक। जैसे फिर यहाँ से आप आके फिर क्वाइल के थ्रू होते हुए इसको क्या करेगा, इसमें ये भी फिल्टर का काम करता है, आपको बताएंगे कैपेसिटर फिर इस जगह में ये फिल्टर का काम, इसमें अपने से क्या कहने का मतलब है, फिल्टर अपने से जो हाई फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा या लो को इसमें रोक देगा, कहने का मतलब ये लो वाला जो है 850 वाला यहाँ पर रुक जाएगा और यहाँ 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ से पास हो जाएगा, और यही 900 फ्रीक्वेंसी जो हमको चाहिए जिसमें फिल्टर का काम करता है। तो इसी प्रकार का और भी
वीडियो आपको बताएंगे जब नेटवर्क सेक्शन पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में, यहाँ पे पूरा उतना अच्छे से नहीं बता पाए आपको, पूरा डिटेल में बताएंगे कि कोई भी कंपोनेंट जब लगा होता है, कहने का मतलब जब नेटवर्क सेक्शन में आप इस प्रकार कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, इस चीज को अगर उखाड़ के फेंक दीजिएगा तो आपका नेटवर्क ही मोबाइल में नहीं आएगा तो कैसे काम करेगा। तो इसीलिए कंपोनेंट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह का अगर नॉलेजफुल वीडियो लगे कि आपको लगे कि अच्छा वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए काम का चीज है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपका दोस्त वही जो भी है हमारे इस वीडियो से उसको लाभ हो सके। और आपको भी इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो अगर कहीं मिल रहा है तो लोगों को बताना चाहिए और शेयर करना चाहिए ताकि इस नॉलेज को से दूसरा कोई नहीं वंचित हो सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।